भी चुके हैं केस, लेकिन मुझे इन जो हमारे ये मीडिया साहब हैं इनका मैं वेलकम करता हूं, ताकि आपको मतलब ये पता ही है जो इस समय पहले हमारे हम पे कोरोना की आफत आ गई, अब जो ये मतलब एक एवाइन इन्फ्लुएंजा करती है वायरस, अब इसकी भी मतलब आमद रफ्त हो चुकी है। करना है जितने भी हमारे पोल्ट्री ऑफिसर, हमने जो सर्विलेंस रूम बनाया हुआ है, एक हमने कंट्रोल रूम बनाया है, हमारी कल ही मतलब जिस हिसाब से मीटिंग हुई है, जिसमें हमने हमारी पहले लेटर हमारे मेरा नाम डॉक्टर सलीम अहमद है, असिस्टेंट मैनेजर पोल्ट्री फार्म पहुंचे। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि जो हाल ही दिनों में बर्ड फ्लू के यहाँ पे एक रजौरी में भी ऐसे केस निकले, तो ज़िला पूंछ में डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से किस तरह की तैयारी है? सर, जैसे कि हमें हर हायर अथॉरिटी से ये इंटीमेशन मिली है कि यहाँ पे कुछ हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनमें कुछ आउटब्रेक हो रहा है, तो हमें डे बाय डे हमें इंटीमेशन मिलती है, तो हमने उसी अकॉर्डिंगली हमने एब्रप्टली कुछ सर्वेलेंस टीम बनाई है यहाँ पे, रैपिड एक्शन टीम बनाई है, और हर ब्लॉक में हमने ये टीम को एक्टिवेट कर दिया है। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पुंछ फोर फ्रंट पे है कि जब भी कोई केस आएगा हमारे पास, तो हम उसके सैंपल लेके हायर अथॉरिटी को हम भेजेंगे। अभी तक हमारे पास कोई केस नहीं आया है। कल दो केसेस की हमें इंटीमेशन मिली थी कि कुछ ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनकी डेथ हुई थी सुरुकोट में। तो हमें यहाँ पे अभी तक कोई भी केस यहाँ पे नहीं है। पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि वो पैनिक मत हो इसको लेके, ये अभी कोई भी केस हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं आया है। तो डॉक्टर सर ये बताएंगे कि किस तरह की जो बर्ड्स आपके पास इस वक्त हैं, तो क्या किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पे रखी हैं, कितने बर्ड्स? सर, हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म पुंछ में अभी 1800 बर्ड यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम 24 आवर यहाँ की उनकी सर्वेलेंस करते हैं, उनको हम चेक करते हैं, कोई सिम्टम नहीं है, और सबसे बढ़ के हमने यहाँ पे बायो सिक्योरिटी मेजर्स पूरे हमने लागू कर दिए हैं। तो हमने किसी भी अननोन पर्सनल की एंट्री हमने ब्लॉक कर दी है यहाँ पे, किसी भी कोई भी आदमी पोल्ट्री फार्म के प्रीमिसेस में एंट्री नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे जो पर्सनल हैं गवर्नमेंट के, तो वो 24 आवर उसकी सर्वेलेंस करते हैं विद प्रॉपर मेजर्स। तो डॉक्टर साहब लोगों से भी आप क्या कहें, लोग परेशान होते हैं जब बर्ड फ्लू की बात सुनते हैं, तो बर्ड्स जो चिकन्स हैं वो लोग नहीं मिलने घर में? सर, ऐसा है कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो ये जो वायरस होता है इसमें ये क्योंकि पोल्ट्री से ये फैलता है, बर्ड से ये फैलता है, तो मैं ये पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि ये जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनके ज़रिए ये फैलता है। हमारे पोल्ट्री फार्मर बहुत सारे हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाइल्ड बर्ड के कंटेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटेक्ट में जब अपने बर्ड्स आएंगे, फ्लॉक आएगा, तो ही ये फ्लॉक में ये बीमारी जा सकती है। ऐसे इनडोर में कोई बीमारी ऐसी जाने की ज़रूरत नहीं है, और उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।